नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल वन भूमि के पट्टे आवंटित किए जाए, आदिवासियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से। आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम मुन्हाना पंचायत चेरापाटला के आदिवासियों पट्टे की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में समाज सेवी मेजर विनोद कुमार यादव ने बताया कि आदिवासियों की 25 वर्षों से मांग रही है, वहां जहां रह रहे हैं वह वन भूमि है तथा वह वन भूमि पर खेती कर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर भू अधिकार के तहत पट्टे प्रदान किए गए हैं, परंतु इस क्षेत्र के आदिवासी भू अधिकार के पट्टे से वंचित है। इनके द्वारा भू अधिकार के तहत पट्टे हेतु अनेकों बार प्रशासन को आवेदन दिया गया, परंतु आज पर्यंत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज वन भूमि अधिकार वन भूमि के पट्टों के लिए सैकड़ों आदिवासी कलेक्टरेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। यादव ने आरोप लगाया कि यह जिला आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद आदिवासियों की कोई चिंता नहीं की जा रही है, शासन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। आदिवासी वन भूमि के पट्टों के लिए दर दर भटक रहे हैं, पट्टे नहीं होने के कारण शासन की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। हर गरीब चाहता है उसका भी एक छोटा सा अपना घर हो तथा जीवन यापन करने हेतु उसके पास कृषि भूमि हो। ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया कि शीघ्र ही मांगे पूरी नहीं की गई तो हमें संघर्ष के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपते समय मंगल धुर्वे, राधेलाल भलावी, रमकी मर्सकोले, संतराम उइके, शिवराम उइके, गणपत धुर्वे, छगलाल उइके, सुरेश उइके, बिष्णु भलावी, सुखलाल मर्सकोले, केशर सिंह धुर्वे, दीपचंद धुर्वे सहित बड़ी संख्या में आदिवासी मौजूद थे। बैतूल से जिला ब्योमरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। जी, मैं समाज सेवी मेजर विनोद यादव। क्या समस्या लेके आए हुए? समस्या ये है कि ये ग्राम मऊढाना ग्राम पंचायत चिरापाटला तहसील चिचोली के अंतर्गत जो गरीब आदिवासी लोग हैं, इनके वन विभाग के जो पट्टे हैं, विगत 20 से 30 वर्षों से उस जमीन पे काबिज हैं और शासन से अनुरोध करने पर भी अभी तक इनके वन विभाग के पट्टे का आवंटन नहीं हो पा रहा है। इसी मांग को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय के सामने ज्ञापन देने आए हैं। उनने आश्वस्त किया है कि निश्चित जांच करके कार्रवाई होगी। अगर पट्टे दे दिए जाते तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे निश्चित तौर पे ये गरीब आदिवासियों को लेकर आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन ऐसे एक गांव नहीं, अनेक गांवों की समस्या है। सारी समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कहाँ से आए हो? सिरापाटला मौड़ाना से। क्या समस्या को लेके आए हुए हैं? 20 साल से हम लोग जमीन जोत रहे, उसकी पट्टा नहीं बने, इसलिए पट्टा बनवाने के लिए कलेक्टर ऑफिस में ओपन करने आए हैं। इसके पहले आवेदन वगैरह दिए थे? हाँ दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं की गई।